कुहासा कितना है, 7 बजे, एकदम चिल्ड हवा है। बहुत कुहासा है। तो गाइस मेरी मम्मी अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही है, लिम्का। कोल्ड ड्रिंक नहीं है, दवाई है ये, कफ को ये गलाता है। टेस्ट पे पिस जैसा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगी। और मैं 2 दिन के बाद वीडियो आज शूट कर रही हूँ क्योंकि फीवर अभी भी हल्की हल्की सी है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एक दो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ विंटर की, जो कि गर्म के दिनों में अगर आप बना करके खाते हैं तो आपको ठंड वगैरह थोड़ा कम लगती है उससे। तो गुड़ और तीसी, तिल, ड्राई फ्रूट्स ठंड में खाने चाहिए। ठंड से जोड़ों में दर्द भी कमी होती है, घुटने का दर्द भी कम होता है, कमर का दर्द भी कम होता है इससे, और आपको ठंड भी बर्दाश्त करने की थोड़ी सी कैपेसिटी होती है उससे खाने से। तो ये लड्डू की रेसिपी है, कुछ और एक दो रेसिपी मैं देखती हूँ कि क्या क्या बनाती हूँ, नहीं तो फिर जो रेसिपी है मैं फिर कल शेयर करूँगी आप लोगों से। तो चलिए देखती हूँ मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद तिल, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखी हूँ, और यह गोंद वगैरह, और यह गुड़। देखती हूँ मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी ये मैं मखाने निकाली हूँ, इसे मैं भून लेती हूँ। गैस का फ्लेम यहाँ ऑन करते हैं। तो यहाँ पे 2 कप मैं मखाने को घी में भून लूंगी। इतने में बना लिया 2 कप, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। मखानों को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें भून लेते हैं। ये अच्छे से अब भून चुकी है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक प्लेट में से निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ उसे। अब मैं इसमें डालूंगी तेल, ये अब 1 कप तेल ऐसे में भून लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे। इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं भुनने हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भुनने हैं, वरना क्या है ना ये ब्राउन सी हो जाएगी और एक जो इसका नटीनेस होता है ना वो टेस्ट इसका नहीं आएगा। ये एकदम जली जली सी लगेगी तिल, तीस ये जो व्हाइट वाली तिल है, तो इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर जब आप भूनेंगे ना तो इसका खाने में आपकी जो टेक्सचर है बहुत अच्छी लगेगी, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगेगी। और ये बस मैं ठंड की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना ठंड के दिनों में तिल, गुड़ ये सब खाने चाहिए, इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। क्योंकि 31st या उससे पहले से ही सर्दी काफ़ी है यहाँ पर दिल्ली में, धूप वगैरह भी अभी तक प्रॉपर ठीक से निकली नहीं, आज थोड़ी सी निकली थी तो मुझे कंबल वगैरह कुछ कुछ धुलने थे तो धुले। अभी भी मेरी आवाज़ दिख रही होगी आप लोग, मतलब सुन रहे होंगे कि सर्दी सर्दी सी है। एक बार बीच में दवाई ली थी तो ठीक हो गई थी, फिर तबीयत खराब हो गई, तो अब मैं ठीक हूँ। तो चलिए मैं अभी क्या क्या बनाऊँगी दिखाऊँगी, पहले इसे मैं भून लेती हूँ। तिल तो ये वाली साफ है, बट थोड़ी सी ना इसमें से एक दो दाने जो काले काले से होते हैं वो निकल रहे हैं, तो ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से ये भुन जाती है। तो पहले मैं इसे भून लेती हूँ। जब तिल को हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनते हैं इस तरह से, तो इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, जिससे आपको पता चल जाएगी कि जो तिल है वो भून चुकी है। तो चलिए इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
इसे अब हम ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं। मूंगफली को भून लेती जो कि एक कप है, देख सकते हैं यहाँ पर ये एक कप है। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे अच्छे से, ताकि ऊपर से ये जले नहीं, अच्छे से अंदर से ये अच्छे से भून जाए, इसकी जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। यहाँ पे मूंगफली भी अच्छे से भून चुकी है, इसे प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। यहाँ पे मैं घी ऐड कर दी हूँ और इसमें मैं 1/3 के करीब ये गोंद ऐड की हूँ, देख सकते हैं कि ये है 1/3 कप। और इसे भी घी में अच्छे से हम भून लेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। जब ये फूल जाती है ना अच्छे से घी में, तो क्रंची सी हो जाती है एकदम, और ये बहुत हेल्दी होता है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है या घुटने में दर्द है, तो इस तरह से आप जैसे लड्डू वगैरह ठंड में बनाते हैं ना, उसमें ये आप मिक्स कर दें, और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है जब क्रंचीनेस आती है लड्डू में, तो आप ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है, फ्लेम पे नहीं भूनना है क्योंकि अच्छे से ये फिर फूलेंगे नहीं। तो ये भून चुके हैं, तो इसमें मैं 4 हरी इलायची जो होती है वो ऐड की हूँ, इसे भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। इसी के साथ में मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। ये अच्छे से भून चुकी है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये हमें दोबारा से इसमें घी ले ली हूँ और ये 1/4 कप बादाम ऐड की हूँ, और इसे भी मैं भून लेती हूँ। यहाँ पे बादाम अच्छे से भून चुके हैं, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं 1/4 कप काजू ली हूँ, ये देख सकते हैं, इसे भी मैं भून लेती हूँ। यहाँ पे काजू भी भून चुकी है, तो इसे भी प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे छुआरा हो गया है और खजूर हो गए हैं, पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स, बहुत सारे सीड्स आते हैं। ये है डेसिकेटेड कोकोनट जो कि 1/2 कप है, तो इसे भी मैं इस पर एकदम लो फ्लेम पर इसे भून लेती हूँ। घी वगैरह हम इसमें ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि कोकोनट जो होती है उसमें अपना ही एक ऑयल का मॉइस्चर होता है कोकोनट का, तो इसमें थोड़ी सी थी, इस वजह से मैं इसी में छोड़ दी थी। तो इसे भी मैं भून लेती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिससे कि हल्की सी खुशबू आने लगे। कोकोनट यहाँ पे भून चुकी है, तो गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देती हूँ और इसे चलाऊंगी मैं 1 से 1.5 मिनट तक, क्योंकि पैन अभी गर्म है यहाँ पे और गैस जो देख सकते हैं कि बंद है। ये मूंगफली भी अब ठंडी हो चुकी है, तो इसे भी हम इस तरह से हाथों से रगड़ करके इसके जितने भी छिलके हैं ऐसे मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से आप रगड़ेंगे ना बिल्कुल ईजिली, देखिए छिलके निकल जाते हैं। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ उसे। मेल्ट करती हूँ विदाउट पानी के। यहाँ पे मैं फूड रैपिंग पेपर जो होती है वो ले रही हूँ, इस पे है ना कि बटर पेपर भी इसे कहते हैं, तो इस पे जब आप इस तरह से इसे फैलाओगे तो बहुत अच्छे से फैलती है, प्लेट वगैरह में उतनी अच्छे से होती नहीं है। या तो आप इस पे थोड़ा सा घी लगा लो, तो इस पे मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी अभी, इससे कि चिपके नहीं और ये मेल्ट हो रही है अभी। थोड़ी सी मैं घी लगा दी उस पर, ताकि इजी हो इसे स्प्रेड करने में। यहाँ पे गुड़ जो है मेल्ट हो चुकी है अच्छे से, आप देख सकते हैं कि इसमें झाग सी आ रही है, 2 तार 3 तार हमें इसमें ये नहीं देखने हैं, हमें यहाँ पे ये देखने हैं इस तरह से पानी में ड्रॉप करके कि ये जो गुड़ है पकी है या नहीं। तो ये अभी बहुत ऐसे सॉफ्ट से बॉल बन रहे हैं, देख सकते हैं,
तो ये अभी हुई नहीं है, तो इसे हम अभी और पका ही नहीं सकते। बिल्कुल सॉफ्ट सी बॉल बनी हुई है, बन रही है। इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर से हम इसे चेक करेंगे, और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे जब हम चेक करेंगे। इस तरह से इस पे गिराएंगे। अब देखिए ये हो चुकी है, इस तरह से ये थोड़ी सी टूट रही है। यहाँ पे ये हो चुकी है, तो इसमें जो मखाने भून के रखे थे हम इसमें ऐड कर देंगे, और इस पे अच्छे से हम कोटिंग करेंगे कि हर एक मखाने पे कोट हो जाए। और फ्लेम बिल्कुल लो रखने है आपको, इस तरह से हम इस पे अच्छे से इस गुड़ की कोटिंग कर देंगे। मखाने के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, तो इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट और ऐड करूंगी, जो कि भुनी हुई सफ़ेद तिल में रखी थी, वो एक टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी, और इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छी सी हल्की सी नटीनेस इस मखाने में आए। और यहाँ पर हम इसे डाल देंगे इस तरह से, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से ये बहुत जल्दी ठंडी होती है, तो इस तरह से आप इसे पेपर पे ही सारे को अलग अलग इस तरह से कर दें, क्योंकि अभी ये गर्म है तो अच्छे से ये अलग अलग से निकलेगी। थोड़ी दूर दूर में ही आप इसे इस तरह से कर देंगे ताकि ये चिपके नहीं आपस में, और इसे 10-15 मिनट तक हम इसी तरह से छोड़ देंगे, फिर सबको हम अलग अलग कर लेंगे। काफ़ी ये गर्म है अभी। यहाँ पे हम ऊपर से भी थोड़ी सी तिल ऐड कर देंगे, जिससे क्रंचीनेस अच्छी आएगी इस पर, ऐसे ठंडा होने देंगे 10-15 मिनट तक। यहाँ पे ये अच्छे से ठंडी हो गई है 5-7 मिनट में ही, तो इसे बस हम अलग अलग कर लेंगे इसी टाइम पे, और ये टाइट जार में आप इसे रख सकते हैं। चलिए इसे मैं अलग कर लेती हूँ। ये सारे अलग अलग से हो गए हैं, तो इसे मैं इस जार में रख देती हूँ। तो ये हमारी थोड़ी सी स्नैक्स बन गई है ठंड के हिसाब से। इस पर गुड़ भी गर्म करती है, तिल भी गर्म करती है ठंड के दिनों में, और मखाने तो खैर ड्राई फ्रूट्स होते ही हैं गर्म, तो इस तरह से आप भी बना के जाइए। इसके बाद भी कितनी कनखन है और कितनी अच्छी बनी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा इसे। यहाँ पर मैं दोबारा से मखाने को भून रही हूँ, क्योंकि तिल वाले जो लड्डू बनाऊँगी इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं करीब 2 कप के मखाने को भून रही हूँ। ये मखाने भी भून चुके हैं, तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये तिल के लड्डू के लिए है। अब इसमें मैं गुड़ डालूंगी। तीन डली डाली हूँ मैं, और इसे मेल्ट होने देती हूँ। थोड़ी सी घी इसमें ऐड करूंगी मैं जब ये मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो गई, और इसमें मैं घी भी मिला दी थी 1/2 टीस्पून के अराउंड, और इसे भी हम पकाएंगे गुड़ को बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ से हम गुड़ को चेक करते हैं, इससे 5-7 सेकेंड ठंडी होने देते हैं। उसके बाद ये अभी नहीं हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये गुड़। इस गुड़ में मैं बिल्कुल ये 1/2 पिंच सोडा ऐड कर रही हूँ, जिससे कि गुड़ भी ना अच्छे से फूल जाती है। देखिए एकदम झाग से हो गए बिल्कुल, थोड़ी से सोडे को डालने से। तो इसे हम अब टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बनी है। देख सकते हैं कि थोड़ी सी टाइट है, थोड़ी सी और ये पकेगी। अब ये हो चुकी है शायद,
ये हो चुकी है, देखिए देख रही आवाज भी आ रही है, ये टूट रही है। तो इसमें अब हम बादाम को मिक्स करेंगे, मूंगफली को, और गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे फटाफट से मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसे हम फैलाएंगे अच्छे से। मिक्स हो चुकी है, पैन अभी गर्म है, तो ये मिक्स हो चुकी है। तो इसे मैं अभी एक ये बटर पेपर पे सारी को डाल दूंगी और इसे अच्छे से फैलाना है हमें जल्दी जल्दी। तो क्या है ना, ये सारी एक जगह ही जम जाएगी। इसे हम ये बटर पेपर दूसरी इस पर रखेंगे और बेलन से, एक मिनट कैमरा सेट कर दो, अभी ये गर्म है अच्छी खासी, तो हम इसे बेलन से इस तरह से बेल देंगे जिससे इसकी सेप काफी अच्छी होगी। इसे ठंडा होने देते हैं, अभी काफी गर्म है ये, इसे ठंडा होने देते हैं। यह इसके ऊपर थोड़ी सी है तेल को स्प्रेड कर देंगे। तो ये मैं बटर पेपर उठा दी थी तो इस पर भी थोड़ी सी लग गई है, मैं इस तरह से इसे कट का निशान डाल देती हूँ उस पर। ये 5-7 मिनट अच्छे से ठंडे हो जाती है फिर हम इसे तोड़ लेंगे। फिर तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से इस तरह से निकल रही है। ये बिल्कुल सेट में कट निकल रही है क्योंकि सेट में मैं कट की थी। देख सकते हैं बिल्कुल सेप पे निकली है ये, जैसे कट अप करेंगे वैसी निकलेगी ये। ठंडी हो चुकी है 5-7 मिनट में अच्छे से, तो मैं इसमें रख दी हूँ। यहाँ पे मैं हाफ कप दोबारा से गोड़ ली हूँ और उसे मेल्ट कर रही हूँ, और 1 कप सफ़ेद तेल है, तो इससे मैं लड्डू बनाऊँगी या फिर बर्फ़ी, अभी देखिएगा आप लोग। और जो पेपर है, इस बटर पेपर पे मैं घी लगा ली हूँ, दोनों ही बटर पेपर पर। चेक कर लेती हूँ कि गुड़ जो है जमने लायक बनी है कि नहीं। तेल मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, बस इसे मिक्स कर लूँगी मैं फ्लेम पर अच्छे से, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पर सॉरी। और इसे मैं यहाँ पर डालती हूँ पेपर पे, बटर पेपर पर, और इसे स्प्रेड कर लेती हूँ अच्छे से।
तो बटर पेपर को मैं इस पर रखूंगी और इसे बेल के बिल्कुल पतली कर दूंगी। पेपर को इसी पर रहने दूंगी, ठंडी होगी तो खुद ही अलग हो जाएगी इस पर से। तो इसी से मैं इस पर से इससे ऊपर से ही कट का निशान लगा दूंगी जिससे कि अच्छे से निकल जाए। हल्के हल्के से डालने हैं कट के निशान, मैं ज्यादा डाल दी हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी ये ठंडी हुई है, अभी 2-3 मिनट ही हुई है। ये जो पेपर है इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से निकल चुकी है। पहले निकाल लेती हूँ। तो ये इस तरह से हमारी तिलपट्टी बन चुकी है, थोड़े से पेपर लगे हुए हैं तो ये निकल जाएंगे इस तरह से जब पूरी ठंडी हो जाएगी। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए मैं रखती हूँ अभी। तो ठंडी होगी उसके बाद फिर मैं इसकी लिड लगाऊंगी। तो फिलहाल मैं इसे भी डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। अब मैं आटा की लड्डू बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो जो जो चीज़ भुनी थी उन सबको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। यह है गोंद, बादाम, काजू और मूँगफली। यह मखाने से ही भुन करके रखी हूँ। यह है तिल, इसे भी भुन करके रखी हूँ। और यह है कोकोनट पाउडर। तो ये तो खैर पाउडर फॉर्म में ही है तो इसे हमें ग्राइंड नहीं करना, बट इस 3 प्लेट में जो भी सामान रखी हुई है उनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पे बनाऊंगी तिल के लड्डू। तो गुड़ को मैं 5 से 6 डली को इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में चला ली हूँ। तो इसमें है तिल वाली पाउडर जो दरदरी सी पिसी हुई है, उसे मैं इसमें ऐड करती हूँ इस तरह से। ये है मखाने का जो मैं ग्राइंड की थी वो, तो ये भी उसमें मैं 2 मुट्ठी के अराउंड ऐड की हूँ। और ये है नारियल पाउडर, ये मैं 1 मुट्ठी ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी इसमें। और ये है ड्राई फ्रूट्स वाली जो पाउडर बनाई थी वो, तो ये भी मैं 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी इसमें ऐड की और इसे भी मैं मिक्स करूँगी। इस पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को रख दी हूँ जो अभी बचे हुए थे। इससे तीसी के लड्डू या फिर आटा के लड्डू बनाऊंगी कल या फिर रात में। तो फिर मैं वीडियो शूट करूँगी तो शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसमें रख दी हूँ। इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड की हूँ और गुड़ भी जो है मेल्टेड है, तो इसे मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी लड्डू। तो इसे मिक्स करने में भी 3 से 4 मिनट मुझे लगेंगे, तो पहले मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क ली हूँ और इसमें मैं डाल करके मिक्स करूँगी। पहले सभी को मैं इसमें मिक्स कर चुकी थी, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ये अच्छे से बंधेगी। इसमें आपको ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिना दूध को डाले हुए बनाते हैं ना तो ये महीनों तक जो लड्डू है या बर्फ़ी बना लीजिए आप, ये अच्छे से रहती है। और दूध अगर ऐड करते हैं तो आपको 12 से 15 दिन के अंदर इसे कंज्यूम करना रहता है, मतलब खाना रहता है, ख़त्म करना रहता है। तो ये लड्डू इतने टेस्टी बनते हैं ना, 4 से 5 दिन भी आपके घर में टिकेंगे नहीं, तो मतलब बचेंगे ही नहीं, सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप भी बनाइए और ट्राई करके बताइए कमेंट करके कि कैसी बनी है। और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ये मिक्स हो गई है, मैं बनाऊँगी लड्डू। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी से जो लड्डू है ना वो बना लूँगी अच्छे से। प्रेस नहीं करना है बिल्कुल, हाथ के हाथों से बनाना है और घी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लड्डू बन गई। तो यहाँ पे ये जो लड्डू है वो बन चुकी है।
ये तिल की लड्डू, ये है बादाम की गजक या गुड़पट्टी भी कहते हैं हमारे बिहार झारखंड में से, और ये है गुड़ वाले मखाने, लॉट्स ऑफ घी, लॉट्स ऑफ घी नहीं, थोड़ी सी घी और थोड़ी सी तिल है इसमें, और ये है तिल की पट्टी, मतलब तिल और गुड़ की पट्टी या गजक आप कह सकते हैं, तिल गजक। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।